अमरीकी वजीर खारजा बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पर इस कदर मान है, इस कदर यकीन है कि वो प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शा पर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। I'm a very safe driver. So far. We're in your hand. See you on the other side. Great, wow. You're having a nice time in India so far, sir. It's been great as always. Fantastic. The only frustration is not being able to stay a little bit longer. You get pretty good mileage with this, too. Fantastic mileage. Such a pleasure to have you here. Thanks so much. मगर पाकिस्तान में कभी भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान में जब भी कोई डेलीगेशन आया है उसके साथ इतना प्रोटोकॉल होता है कि ना सिर्फ यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि आने वाले लोग भी खौफो हराज में मुब्तला हो जाते हैं। अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तसव्वुर कर सके, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए। जो एक कौम का हौसला होता है उसको इन्होंने पस्त कर दिया है, क्योंकि एज कम्पेयर टू जिस तरह पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अमेरिकन तो दूर की बात है। IMF खुद नहीं पाकिस्तान आना चाह रही, इंडिया बड़ा सेफेस्ट कंट्री है, इसमें कोई मसला नहीं। जय हिंद दोस्तों, G20 समिट जो दिल्ली में चल रहा है वहाँ पे अमेरिका के डेलीगेट्स एंटोनी ब्लिंकन जो ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए दिखाई दिए और उनका वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। ये देख के पाकिस्तानी लोग सोच रहे कि भारत में इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि इतने बड़े डेलीगेट्स जो बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के कहीं घूमते नहीं हैं वो ऑटो रिक्शा में इतना बेधड़क घूम कैसे रहे। और ये देख के वो इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ करने से वो खुद को रोक नहीं पाए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं पाकिस्तानी लोगों की रिएक्शन क्या है इसमें, जब कोई इतना बड़ा डेलीगेट्स बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल छोड़ के ऑटो रिक्शा में ड्राइव करता है। G20 का इजलास इस वक्त हिंदुस्तान में जारी है और एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि अमरीकी वजीर खारजा बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पर इस कदर मान है, इस कदर यकीन है कि वो प्रोटोकॉल को छोड़कर, बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर ऑटो रिक्शा पर सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर पाकिस्तान में कभी भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। पाकिस्तान में जब भी कोई डेलीगेशन आया है उसके साथ इतना प्रोटोकॉल होता है कि ना सिर्फ यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बल्कि आने वाले लोग भी खौफो हराज में मुब्तला हो जाते हैं। सर, आपको पता है कि इस वक्त G20 का इजलास हिंदुस्तान में जारी है, वहाँ पे 20 बड़ी इकॉनमी आई हैं शिरकत के लिए G20 इजलास में, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमरीकी वजीर खारजा जो हैं वो वहाँ पर बुलेट प्रूफ गाड़ियों को छोड़कर, प्रोटोकॉल को छोड़कर ऑटो रिक्शा में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि मैंने आपको दिखाई भी है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, मैंने ये देखा है, मैं बहुत इस पर अफसरदा हूँ। ये हमारे सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो एक हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, इंडिया ऐसा मुल्क है जो टेररिज्म के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, इसमें जब कोई भी डेलीगेशन आता है किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी भी यानी कि यूरोपियन यूनियन का, तो यहाँ पर रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, रस्ते ब्लॉक हो जाते हैं, घंटों घंटे लंबी लाइनें लग जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन उधर वो ऑटो रिक्शे पे सफर कर रहा है। हम खुद इस चीज़ पे बड़े हैरान हैं। सर, आपने बात की कि इंडिया एक दहशतगर्द, एक टेररिस्ट कंट्री के नाम पे जाना जाता है, मेरा ख्याल है आपने बोलने में जरा गलती कर दी। इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, इंडिया के साथ तो सबके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, अगर इंडिया को दहशतगर्द मुल्क कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता, तो वहाँ पे इस वक्त G20 का इजलास ना हो रहा होता। मैं आपकी बात को बिल्कुल बजा मानता हूँ कि इंडिया नहीं, पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पे दहशतगर्द मुल्क माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई आता है तो वो जनाब इतने लंबे प्रोटोकॉल के साथ आता है, घंटों घंटे आवाम इतनी जलील होती है सड़कों पे, ठीक है। अब और इंडिया में जाता है, हम इस चीज़ को देखेंगे ना, हम तो इस चीज़ को मानेंगे कि जी इंडिया में अगर कोई जाता है तो ऑटो रिक्शे में सफ़र कर रहा है। सर, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ऑटो रिक्शा है ना, ये दिल्ली के जो है सफारतकार का अपना पर्सनल ऑटो रिक्शा है जिसमें वो अमरीकी फॉरन मिनिस्टर को ट्रैवल करवा रहे हैं। जी, असल में पता क्या है, वो इमरान खान साहब सही बात करते थे कि जिसको जिसकी औकात में रखे ना तो वो बंदा ठीक रहता है। इंडिया अमेरिका को उसकी औकात में रखता है, ठीक है, उसके लेवल पे रखता है, हम इनको सर पे बिठा लेते हैं। जब वो आते हैं हम कहते हैं उनका एक छोटा सा मिनिस्टर भी आ जाए ना पाकिस्तान में, तो हमारे ये जो चंदाखोर, ये जो मैं कभी इनको क्या कहूँ, ये जो भीख मांगने वाले, कटोरा ले कर चलने वाले, ये लोग इस तरह इनको वो दौड़े लग जाती हैं इनकी कि जनाब पता नहीं आसमान से कोई फरिश्ता उतर आया है, लेकिन वो लोग इनको अहमियत नहीं देते। वो उधर अपने ऑटो रिक्शे भी बना लिए उन्होंने, वो घूम भी रहे हैं, फिर भी रहे हैं, उनकी हुकूमत को भी कोई परेशानी नहीं। सर देखिए, उन्हें इंडिया की सिक्योरिटी पे कितना ज्यादा मान है, उन्हें पता है कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए तो वो इतने मान के साथ
इतने सुकून के साथ, इतने मजे के साथ ऑटो रिक्शा में सफर कर रहे हैं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के। आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई आए डिप्लोमेट निकले यहाँ पे इस तरह ऑटो रिक्शे में, या पैदल ही लाहौर के किसी एक शहर का या लाहौर के किसी एक मार्केट का विजिट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी खुद महफूज नहीं है जिनका मुल्क है। हम इस कंट्री में रहते हैं ना, हम खुद यहाँ पे महफूज नहीं है, तो यहाँ पे अमेरिका से या किसी और मुल्क से आया बंदा खुद को किस तरह महफूज तो सफ़र कर सकता है? ये लम्हा फिक्रिया है हमारे इदारों के लिए, सिक्योरिटी के जितने भी इदारे हैं, हमारी हुकूमतों के लिए।